अश्विनी चौबे ने ग्रहण किया स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार। मेट्रो से पहुंचे ऑफिस। बक्सर से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने पूरी रीति रिवाज के साथ आज यानी मंगलवार को बतौर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। अश्विनी चौबे ने अपने आवास से मेट्रो के जरिए उद्योग भवन तक पहुंचे। वहां से वह पैदल चलकर अपने ऑफिस तक गए। ज्वाइनिंग से पहले अश्विनी चौबे ने निर्माण भवन परिसर में 5 पेड़ लगाए। इसके बाद संतों के मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच कार्यालय का परिक्रमा कर मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अश्विनी चौबे ने प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना उनका लक्ष्य है। समाज स्वस्थ रहेगा तभी देश स्वस्थ रहेगा, देश सुखी रहेगा तो देश समृद्ध भी होगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो सपना है उसे साकार कर सकते हैं। आइए देखते हैं अश्विनी चौबे ने पदभार संभालने के बाद क्या कहा। पूरे देश के स्तर पर प्रधानमंत्री को लाए उसको और भी अच्छी तरह आगे बढ़ाने का काम होगा। स्वास्थ्य विभाग के सभी चीजों को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं। अपने अपने सभी आरोग्य रहे, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन सुखिन, सभी सुखी रहे, सर्वे उद्धारे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाः। तो सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। तो सर्वे संतु निरामया का हमारा 2017 का स्वास्थ्य नीति है उसको हमें आगे बढ़ाना है और देश के समस्त जो समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए होती है मेरी जिनकी आज तक कोई चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं था, आज पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कि वो स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, देश सुखी होगा, देश समृद्ध होगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की जो कल्पना है वो साकार होगी। मुझे लगता है कि आज उसी प्रेरणा से आगे हम सब लोग मेहनत करके परिश्रम से और कर्तव्यनिष्ठ होकर के पारदर्शितापूर्वक अपने कार्य को दायित्व को निर्वहन करने का अक्षरशः प्रयास करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दें। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इतनी शक्ति हो कि वो अपने शक्ति और भक्ति के द्वारा जनता जनार्दन का सेवा करते हैं। और मैं अपने समस्त ऐसे मतदाताओं को, नागरिकों को जिन्होंने इतना अजय बहुमत देकर के हमें यहाँ बैठाया है, हमें अब काम करने की आवश्यकता है, हमें काम को अंजाम देने की आवश्यकता है, हमें उसे पुरस्कृत रूप से आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है कि यह काम हम सब लोग मिलके करें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न्याय सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं, ध्यान में रखते हुए निरीह जनों का, समाज के अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति का उत्थान होगा, तभी इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, नरेंद्र नारायण की पूजा ही अर्जित किया, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत, जो एक नया भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हम एक नया भारत के निर्माण में अपने विभाग की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम समस्त देशवासियों को शुभकामना देते हैं कि हम आप सबको स्वस्थ रखने का संकल्प लेते हैं और आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे संकल्पित प्रधानमंत्री जी के कार्य को, उनके कंधे को मजबूत करने की आवश्यकता है और मैं समस्त अपने बक्सर क्षेत्र के सभी नागरिकों का। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।